दोस्तों, आज वो टाइम आ ही गया जब मैं अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट आपके सामने लीक करने वाला हूँ और आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको देखकर मुझे जब तक मालूम है आपको बहुत बड़ा सदमा लगेगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें बनाने में मुझे काफ़ी अरसा लग गया और काफ़ी टाइम लग गया। पर मैं टाइम और समय से परे जाके वो चीज़ बना के लेके आया हूँ और वो देखने को मिलेगी अपनी क्लिप में। तो लेट्स गो। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी भी देखी भी नहीं होगी और कभी भी सोची भी नहीं होगी। तो आपके सामने प्रेजेंट है मेरी नई गाड़ी जो AR/VR से संपूर्ण फुल है, जो विजुअलाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन से परे है और काफी अनोखी गाड़ी है जो आपको अभी दिख रही होगी। तो काफी एक्साइटिंग है और जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए मुझे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड के अवार्ड मिलने चाहिए क्योंकि ये गाड़ी बनाने में मेरे 100 साल से भी ऊपर का टाइम लग चुका है और हाल फिलहाल में सिर्फ 21 साल का हूँ। तो आपको भी तजुर्बा या विश्वास नहीं होगा कि मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, पर ये सारी चीजें हकीकत में है। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ और गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ। तो ये तो रहे सब मजाक की बातें, पर राइट नाउ एक्चुअली में जो सारी चीजें चल रही है वो मैं आपको रियलिटी में बताऊंगा। क्योंकि जब मैं साइकिल चलाता था, जब मैं गाड़ी चलाता था, तब नॉर्मल पेट्रोल डीजल या मैन्युअली चलने वाली गाड़ियां होती थी। पर राइट नाउ ऐसा फ्यूचरिस्टिक माहौल और मौसम और जो बोलना चाहते हो टाइम वाइम कुछ भी, वो सारी चीजें राइट नाउ आ चुकी है जो हम आज आपको बताएंगे और रिव्यू करेंगे कि इनमें से कौन सी बेटर है। जो मैनुअल और पेट्रोल डीजल से चलती थी वो जो अभी EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल करके जो न्यू फीचर्स और न्यू एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज आई है मार्केट में वो बेटर है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे और आपको रिव्यू करके बताएंगे कि कौन सी है बेटर। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि राइट नाउ टाइम आ चुका है कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा चेंजेस किया जाए और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बूस्ट डाल दिया जाए। तो राइट नाउ आप में से काफी सारे लोग EV बाइक्स, EV कार्स और EV बाइसिकल्स चलाते होंगे। तो राइट नाउ माहौल दौर समय के टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है जो मैनुअल चलती थी पेट्रोल डीजल से गाड़ी, उन सबको टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। क्योंकि राइट नाउ माहौल और टाइम और समय फ्यूचरिस्टिक है सिर्फ EV का, क्योंकि EV का फुल फॉर्म को नहीं मालूम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। और EV के आने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे वर्ल्ड में। और तो EV बाइसिकल, EV कार्स और EV बाइक के चलाने के काफ़ी बेनिफिट्स है। उससे पॉल्यूशन कम होता है, नॉइज पॉल्यूशन कम होता है, एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है। और काफ़ी सारी राइट नाउ मैं ऐसी जगहों पे गया हूँ और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जगहों पे EV चार्जिंग के पॉइंट लग गए हैं और हमारी सिटी में भी 2-3 जगह पे EV चार्जिंग पॉइंट लग गए हैं। क्योंकि आपने काफ़ी रोड पे देखे होंगे कि राइट नाउ काफ़ी EV व्हीकल्स स्टार्ट हो चुके हैं घूमना फिरना और लोग खरीद भी रहे और चला भी रहे। तो राइट नाउ माहौल है सिर्फ EV का। तो EV हर एक तरह से हमको बेनिफिट दे सकती है, पर राइट नाउ उतनी मेजर पार्ट में अभी तक नहीं आई, इतनी मेजर क्वांटिटी में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर आगे जाके 25, 26, 27 आते आते हर एक लोगों के पास EV व्हीकल्स होंगे ही होंगे। और आप लोग बोल रहे होंगे कि EV गाड़ियाँ, EV बाइक्स और EV साइकिल्स तो बहुत महंगी आती है, पर राइट नाउ काफ़ी सारी मेजर क्वांटिटी में कोई लोग खरीद नहीं रहे, कोई चला नहीं रहे और अभी उसका सिर्फ फर्स्ट जनरेशन आया है। उसकी वजह से आपको वो सारी चीज़ें महंगी लग रही होगी, पर आगे जाते हर एक जगह पे EV का उपयोग और इस्तेमाल होगा और काफ़ी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन उसकी आएगी, अपडेट्स आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे, चलाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रिलायबल प्राइस में हम सबको मिलने लगेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पर आगे जाके क्या होता है वो तो सिर्फ फ्यूचर ही बताएगा। पर मुझे लगता है कि 26 आते आते हर एक जगह पे से पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ
ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी, क्योंकि ईवी की गाड़ियों में इतना दम है जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को भी पीछे छोड़ सकती है। तो राइट नाउ आपने देखा होगा कि टेस्ला एक टेस्ला कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो उसने साइबर ट्रक बनाया था, यानी कि साइबर ट्रक करते एक बड़ी सी मिनी सी ट्रक बनाई थी जो काफ़ी अनबीटेबल स्पीड से चल रही थी और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी। उसने लैम्बोर्गिनी को रेस में हराया था। तो आप समझो कि ईवी को हराना कितना मुश्किल है और ईवी में कितनी ताकत है। तो आई होप सो कि फ्यूचरिस्टिक में हमको सिर्फ ईवी का ही सपोर्ट से अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना पड़ेगा, पर अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। पर इतना कन्फर्म है कि हमारे फ्यूचर के साथ AI और ईवी दो चीज़ें परमानेंट जुड़ जाने वाली है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल लगा हो। तो हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए जो हेल्पफुल हो और आपको मदद कर सके और हम आपके साथ जुड़ सके। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाना है जिससे आप जुड़ सकते हो हमारी फैमिली के साथ और हमारे परिवार के साथ। तो उससे हमें एक चीज़ मिलती है जो आपका प्यार मिलता है, उससे हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम ऐसे ही वीडियोज़ में करते रहते हैं और हमारी मेहनत को सक्सेसफुल बनाना आपके हाथों में। तो प्लीज़ सपोर्ट इट, एंड जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और न्यू व्यूअर्स हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो भाई न्यू और एनर्जेटिक वीडियोज़ के लिए। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे हर एक न्यू वीडियो के साथ, हर एक वीकेंड, हर एक दिन। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।